हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शैव धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप एक कॉलेज के अंदर अपनी एक कैंटीन स्टार्ट करोगे। कॉलेज के अंदर जो कैंटीन होती है बेसिकली वहां पे आपको बहुत ही कम स्पेस मिलता है। मान लीजिए आपको 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट या फिर आपको 200-250 स्क्वायर फीट मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही स्पेस होता है किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फिर किसी कॉलेज के अंदर। अगर आप कॉलेज के अंदर कैंटीन खोलने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो, उनके कोई फैमिली मेम्बर हो, या आपको किसी थर्ड पार्टी के द्वारा पता चला हो कि भाई वहाँ पे कॉलेज के अंदर स्पेस अवेलेबल है और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, कॉलेज अथॉरिटीज़ है, वो चाहती है कि कोई वहाँ पे आके अपने एक कैंटीन को स्टार्ट करे। तो यहाँ पे आपको उनके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल रेडी करना होता है और उस प्रपोजल को आपको कॉलेज की अथॉरिटीज़ को देना होता है। उसके बाद ही वो लोग जज करते हैं कि आपको उस कैंटीन को रेंट पे देना है या फिर आपको लीज़ पे देना है या फिर आपको नहीं देना है। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं उस प्रपोजल को बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी हमारे लगने वाले हैं या जो लाइसेंस के काम भी होते हैं, वो सारे के सारे भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को कब तक एंड तक ज़रूर देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियोज़ को शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि भाई कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, ठीक है। आपको साथ साथ ये भी पता रखना चाहिए कि वो कॉलेज कौन सा कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, डॉक्टर वाला कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, ठीक है, ताकि आप लोग जो स्टूडेंट हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स का वहाँ से पता लगा पाएंगे। दूसरा आपको ये भी पता लगाना है कि करंट सिनेरियो में क्या उस कॉलेज के अंदर कोई दूसरी ईटरी फैसिलिटी है या नहीं है। फिर आपको ये भी पता लगाना है कि जो कॉलेज वाले हैं क्या उनके पास वहाँ पे हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ है अवेलेबल है या नहीं है, या सिर्फ वहाँ पे आप बोल सकते हैं सिर्फ कॉलेज है, किसी भी प्रकार की वहाँ पे जो आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। इसके बाद आपको ये भी जज करना होगा कि वहाँ पे कितना वहाँ पे एरिया है। एरिया के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको वहाँ पे क्या सेल करना है। आपको फास्ट फूड सेल करना है, प्रॉपर मील सेल करना है, या फिर आपको कोई ऐसी कॉन्सेप्ट बिठानी है, क्योंकि जो वो USP होगी वही आपको कॉलेज को बताना होगा कि भाई मेरी ये USP है और मेरे इस खाने के द्वारा या मेरे इस कैंटीन के द्वारा आपके कॉलेज को ये बेनिफिट होना वाला है। इसके बाद आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगेगी आपकी वन टाइम में, ये भी आपको कॉलेज को बताना होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आपकी जो मंथली कॉस्ट है वो अप्रॉक्स कितनी लगेगी, आपका रेंट पे कितना जाएगा जो कि आप कॉलेज वाले को दोगे। इसके बाद आपके जो मैन पावर पे आपको लगेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपका रॉ मटेरियल होगा, वो सारा का सारा अप्रॉक्स आपको कॉलेज को बताना होगा। इसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि कॉलेज का कितना इंटरफेयर रहेगा आपके मेन्यूज के अंदर, आपकी कैंटीन के अंदर, और ये भी आपको जजमेंट पहले ही लेनी होगी कि कितना लंबा वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या कुछ ऐसी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बातें तो नहीं होंगी जिससे कि कॉलेज कभी भी आपको निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगने वाला है वो आपका लगने वाला है। अब जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे, आप एक प्रपोजल रेडी करेंगे और उस प्रपोजल को आप कॉलेज की अथॉरिटीज़ को भेजेंगे। यहाँ पे जो प्लान ऑफ एक्शन होगा आपको प्रॉपर बताना होगा कि फर्स्ट स्टेज मेरी ये होगी, सेकेंड स्टेज मेरी ये होगी, थर्ड स्टेज मेरी ये होगी, और इन सब चीज़ों को करने के बाद कॉलेज को मेरे फूड से, मेरे खाने से, मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरी कैंटीन से, ये सारी की सारी चीज़ें फ़ायदा होने वाला है, चाहे स्टूडेंट हो या फिर वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है, टीचर है, प्रोफेसर है, उनके लिए। अगर मैं लाइसेंसेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे लगने वाला है आपका GST नंबर, आपको फसाई लाइसेंस लेना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जो सॉप एक्ट है वो भी लेना पड़ेगा, सॉप एक्ट लाइसेंस बोलते हैं, और आपका गोमास्ता, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली लेनी होगी। और जो सबसे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका वहाँ प्राइसिंग पॉइंट क्या होगा, किस प्राइस पे आप अपना खाना सेल कर रहे होगे अपने स्टूडेंट को, क्योंकि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो मॉनेटरी वाइज वो बहुत ज़्यादा आप लोग खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर प्रपोजल बनाना है और आपको कॉलेज अथॉरिटीज़ को भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन से कमेंट है कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज कैंटीन से रिलेटेड, तो आपको हमें ज़रूर लिखना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।